हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, एक टाइम था जब मेरा वेट 110 किलो होता था। यू हर्ड इट राइट, 110 kgs। और आज मैं आपके सामने हूँ। आज मेरा वेट समवेयर अराउंड 67-68 kgs है। मुझे जो लोग जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, वो मुझे पूछते हैं, मुझे देखकर कि ये कैसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कैसे तुम ने इतना वेट लूज़ कर लिया शिखा, कैसे तुम इतनी पतली हो गई। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे इतनी बेनिफिशियल लगी है और मेरा इतना फ़ायदा हुआ है, क्यों नहीं मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं अपने मोटापे से, क्यों नहीं वो इसको फॉलो करके अपना वेट लूज़ कर सकें। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम अपना वेट लूज़ करने चलते हैं तो हम 1000 कोशिशें करते हैं और उसके बाद क्या होता है, तब भी हमारा वेट लूज़ नहीं होता, या कभी कभी थोड़ा सा वेट लूज़ होता है लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, कुछ गलत तरीके से हम वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। उसकी वजह से या तो हमारा वेट लूज़ ही नहीं होता, या फिर अगर वेट लूज़ होता है तो वापस आ जाता है। तो उससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने तो 1000 कोशिशें कर ली, मेरा वेट नहीं कम हो रहा और ना कभी कम हो सकता है, तो फिर हम छोड़ देते हैं वेट लूज़ करना। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी बिल्कुल सही तरीका जो आपको फॉलो करना है, जिसके बाद अगर आप कोशिश करोगे तो आपका वेट लूज 100% होगा ही होगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो और आपको ये करना है। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरी वीडियोस देखिए, इसको फॉलो करिए और बस करते जाइए, आपका वेट 100% कम होगा। गाइज, जब हम मोटे होते हैं ना, तो बस हमारे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ यही चीज़ घूमती है कि कैसे मैं वेट लूज़ करूं, कैसे मैं पतली हो जाऊं, कैसे मैं इसको प्रूव कर दूं कि इसने मेरा मजाक उड़ाया था, इसने मेरी हंसी उड़ाई थी, ये मुझे मोटी मोटी बोलता है, तो मैं किस तरीके से उसको प्रूव करूं कि मैं पतली हो सकती हूँ। हमेशा 24 घंटे हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या करें, इस कपड़ों में फ़िट होना है मुझे, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये मैंने खा लिया तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो बस इस चीज़ को अपने दिमाग से ख़त्म करना है हमको। एक बार हमें अपना वेट लूज़ करना है और बस इसको एक बार फिनिश ऑफ कर देना है, एंड ऑफ दिस टॉपिक, इसको हमें ख़त्म करना है, निकालना है अपनी ज़िंदगी से। तो सबसे पहली चीज़ जो ये आती है कि मैंने अपने ऊपर कई सारी चीज़ों को ट्राई करा है और मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है कि क्या चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं जब हम वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वेट लूज़ करते हो तो 90% जो है रोल वो आपकी डाइट का होता है और सिर्फ 10% रोल एक्सरसाइज का होता है वेट लूज़ करने में। जब आप एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी बॉडी की टोनिंग होती है, शेपिंग होती है, लेकिन वेट लूज़ नहीं होता। तो आपको वेट लूज़ करने के लिए डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा, अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए, टोन करने के लिए अपनी बॉडी को। लेकिन अगर आप वेट लूज़ करते वक्त एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट जो है वो प्रॉपर पेस पे लूज़ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इन 4 बातों का ध्यान रखना है जब आप वेट लूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहली और प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप, यानी आपको नींद जो है वो अपनी पूरी करनी ही करनी है। आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप रात को 10 बजे सो जाओ, टाइम पर सो, टाइम पे उठो, सुबह 6 बजे उठो। अगर आप ये फॉलो नहीं कर सकते, आपकी ऐसी शिफ्ट्स हैं या आपकी ऐसी जॉब है कि आप 10-6 की स्लीप नहीं ले सकते, तब भी आप कोशिश करिए एटलीस्ट 8 घंटा आप सोइए रात को। उससे क्या होगा कि जब हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, हमारी बॉडी रात को प्रॉपरली हील होगी, तो सुबह उठकर हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल फास्ट होगा, हम बहुत एक्टिव फील करेंगे। और उस स्टेज में हमारी बॉडी जब वेट लूज़ करती है तो बहुत अच्छे तरीके से करती है, ना कि अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आप एक्टिव भी नहीं फील करोगे, आपकी बॉडी प्रॉपरली हील नहीं होगी तो वो वेट भी नहीं लूज़ करेगी, वो कोई भी काम अपना प्रॉपरली नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब आप अपना वेट लूज़ कर रहे हो तो 8 घंटे सोना ही सोना है, बस उसके अलावा नहीं।
दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि वाटर, आपको अपना वाटर इनटेक जो है वो 3 से 4 लीटर रखना ही रखना है आपको. आप कुछ भी करिए, बहुत सारी ऐप्स आती हैं जिसमें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद का आप अलार्म सेट कर सकते हो जिससे कि आपको याद आ जाए कि मुझे पानी पीना है. आपको पानी पीना ही पीना है 3 से 4 लीटर अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो. अगर आप कम पानी पियोगे तो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं होंगे, और अगर बॉडी के टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रहेंगे तो वो आपका वेट लूज़ नहीं होने देंगे. तो आपको अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करें और हमारी बॉडी में वाटर की कमी नहीं हो और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वेट लूज कर सके. आप इसमें बहुत सारा इन्फ्यूज्ड वाटर भी ले सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर कुछ चीज़ें मिला सकते हैं जैसे कि लेमन मिला दिया आपने, या पुदीना मिला दिया, या आपने जीरा मिला दिया. इस तरह की चीज़ें आप पानी में मिलाइए जिसका आपका जिससे आपका पानी जो है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकेंगे. लेकिन आपको पानी पीते वक्त भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि ऐसे नहीं करना कि अगर मैंने बोला है कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है तो आप 1 लीटर एक ही बार में पी जाओगे. अगर आप 1 लीटर पानी एक ही में पी जाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो पानी को होल्ड कर लेगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, और उससे क्या होगा, आपका वेट कम नहीं होगा. तो आपको पानी पीने का जो सही तरीका है वो है कि सिप सिप करके आपको पानी पीना है. और जैसे आपने अपने पास एक ग्लास रख लिया और उसको आप सिप सिप करके थोड़ी देर में पीजिए, ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा ग्लास एक ही बारी में पी लिया, या बॉटल आपने मुंह से लगा ली और सारी बॉटल आप एक ही बारी में पी गए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना. दूसरी चीज़ जो पानी में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आप पूरे दिन में गर्म पानी पियोगे तो आपका वेट लूज जो है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा स्पीड से होगा. फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं आपको पीना, दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो. और अगर आप गर्म करके पी सकोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और उससे वेट जल्दी लूज होगा. तो सिंपल है ये दोनों चीज़ें यार, 8 घंटे सोना है, अच्छा ही है ना, रेस्ट करो. दूसरी चीज़ ये है कि पानी पीना है, इसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं है, गर्म करके पियो जल्दी वेट लूज होगा. तीसरी जो चीज़ आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को आप स्ट्रेस नहीं दीजिए. देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई कार है वो बिल्कुल स्मूथ रोड पे चल रही है तो वो तेज़ चलेगी, और अगर कोई कार है जो गड्ढों में चल रही है, स्पीड ब्रेकर में चल रही है, तो वो उतनी स्पीड से नहीं चल सकेगी. सेम हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ रखेंगे, कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो हमारा वेट लॉस की जो जर्नी है हमारी वो जल्दी पूरी हो जाएगी. और अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते रहेंगे, टेंशन देते रहेंगे, बिना बात का कुछ भी सोचते रहेंगे जिससे होना कुछ नहीं है, हम सोच सोच के किसी चीज़ को बदल तो सकते नहीं हैं, तो आपने उस चीज़ की टेंशन लेनी क्यों है. तो उस चीज़ की टेंशन, उस चीज़ के स्ट्रेस को आप बिल्कुल दूर रखो. सिर्फ ये सोचो मुझे पतला होना है, मुझे वेट लूज़ करना है, और अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है. बस यही सोचकर आप स्ट्रेस को कर दो दूर और उससे आपका वेट लूज़ होगा बहुत ही जल्दी. फोर्थ चीज़ जो आती है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने जो मील्स हैं वो बिल्कुल टाइम पर लेने हैं. अगर आप अपनी बॉडी को एक हैबिट में डाल दोगे कि मैं इस टाइम पर ब्रेकफास्ट लूँगी, इस टाइम पर लंच लूँगी और इस टाइम पर डिनर लूँगी, तो आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि इस वक्त पे मुझे ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, तो मैं अपनी मशीन स्टार्ट कर दूँ उसको डाइजेस्ट करने के लिए. अगर उस टाइम पे आपने एक दिन ब्रेकफास्ट ले लिया, दूसरे टाइम पे आप दूसरे दिन आपकी बॉडी तैयार है कि मुझे ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, मैं अपना डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर दूँ, और उसको ब्रेकफास्ट मिला नहीं, तो क्या होगा कि अगले दिन आपकी बॉडी जब तैयार है उसको खाना मिला नहीं, जब आपने खाना खाया तो बॉडी का डाइजेशन हो गया स्लो. तो अगर आप रोज़ एक ही टाइम पे नाश्ता, एक ही टाइम पे लंच और एक ही टाइम पे डिनर करेंगे तो उससे आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा रहेगा. आपकी बॉडी को पता होगा इस टाइम पे मुझे मील मिलने वाला है तो इस टाइम पे मुझे डाइजेशन करना है, तो इससे मेटाबॉलिज्म हो जाएगा फास्ट. दूसरी चीज़ जो आपको अपने मील्स में ध्यान रखनी है कि ब्रेकफास्ट, नाश्ता कभी भी मिस नहीं करना आपको. दोस्तों नाश्ता जो है वो हमारी डे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल डिप कर जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट लूज जो है वो बिल्कुल नहीं होगा और वो बहुत ही स्लो हो जाएगा वेट लूज़ होना. तो
कभी भी ब्रेकफास्ट आप मिस नहीं करिए, उस वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे का, उसको आपने ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ ये कि अपना जो ब्रेकफास्ट है उसके टाइमिंग जो है वो आप 8 से 9 के बीच में रखिए। 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, उससे ज़्यादा लेट बिल्कुल भी मत करो। और दूसरी चीज़ जो है हमारा डिनर, वो आप 7 बजे के बाद बिल्कुल भी मत लो। 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना, इस बात को आप गांठ बांध लो। अगर आप 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते हो ना, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा लाइफ में। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि जो भी आपने खाना है शाम के 7 बजे से पहले खाना है। 7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने और सॉल्ट भी बिल्कुल नहीं लेना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो और फिर उसके बाद आप अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करो, तो मैं आपको 100% गारंटी कर रही हूँ कि इस बार आपका वेट लूज ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये 4 चीज़ें आपको वेट लॉस के लिए फॉलो करनी ही करनी है। जब भी आप अपना वेट लॉस करना शुरू करोगे, ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तभी आपका वेट कम हो सकता है, नहीं तो वेट कम होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इन 4 चीज़ों के साथ साथ मैंने वो क्या डाइट प्लान फॉलो करा था जिसकी वजह से मैं अपना इतना सारा वेट लूज़ कर पाई हूँ, वो डाइट प्लान भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में और अगली वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, उसमें मैंने शेयर किया है कि मैंने किस तरीके का डाइट प्लान फॉलो किया था जब मैंने अपना वेट लूज किया है। तो आप ये 4 चीजें, 4 चेंजेस अपनी लाइफ में जरूर लाइए और उसके साथ साथ मेरा जो डाइट प्लान है जो मेरी अगली वीडियो में है उसको देखकर जरूर फॉलो करो और गारंटीड आपका वेट कम जरूर होगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय गाइज़।